Hey, what's going on guys? Bulky Star here. So guys, welcome to the another video. So आज हम बनाने वाले हैं एक काइंड ऑफ फार्म इलेगल, इसको डुप्लीकेशन ग्लिच नहीं है, एक्चुअली ग्लिच तो है पर डुप्लीकेशन ग्लिच नहीं है, ये काइंड ऑफ एक्सपी ग्लिच है जिससे आप अनलिमिटेड एक्सपी ले सकते हो। एंड ये 1.14.30 जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें काम कर रहा है, मैं उसी वर्जन पर हूँ जैसा आप जानते हो। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ इसे कैसे करना है, एंड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। एंड तो उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना इन वीडियोस को बनाने में, तुम समझ नहीं पा रहे हो यार, लेकिन दो वीडियोस डालता हूँ मैं दिन की, दो मेहनत लगती है भाई बनाने में, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड तुम्हारे भाई को ग्रो करवाया, सिर्फ 20 सब्सक्राइबर रहते हैं 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में, तो कर दो भाई। एंड घंटी दबा दो, स्टार फैमिली का हिस्सा बन जाओ। एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करा करो यार, ऐसे हम मिलकर ग्रो होंगे। एंड तो शुरू करते हैं। तो जैसा तुम देख रहे हो, मैं हूँ इस वक्त सर्वाइवल में, ठीक है ना, नॉर्मली जैसे सब होते हैं। तो क्या करना है, आपको चाहिए दो बुक एंड क्विल, लेकिन पहले आपको सिर्फ एक सिंगल बुक एंड क्विल चाहिए। इस पर हम लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख के नीचे कर दो, ये पेन का जो आइकन है नीचे, इस पर क्लिक कर दो। एंड देन साइन पे क्लिक करो, एंड देन टाइटल डालो, टाइटल जैसे मैं कुछ भी डालो, टाइटल BS डाल देता हूँ। एंड ऑथर का नाम मैं अभी BSS ऐसा कुछ भी डाल दो, ठीक है ना, ठीक है। बस एक ऐसी बुक चाहिए हमें जो साइंड हो, जिसे हम पढ़ सकें लेकिन इस पर कुछ लिख ना सके। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है क्राफ्टिंग टेबल में, यहाँ पे एक्चुअली में इस बुक को रखना है ऐसे, एंड इसको ऐसे, एंड ये। तो इस वक्त अब आप आ चुके हो ग्लिच मोड में, एंड इस बुक को ऐसे ही हाथ में रखना। अब आपको चाहिए एक एन्चेंटेड बुक, जिसका लेवल जितना हाई होगा, जैसे मेरे पास है इस वक्त एफिशिएंसी 3 की, काफ़ी हाई लेवल की बुक है। जितना हाई लेवल की बुक होगी आपकी, उतनी ज़्यादा आपको एक्सपी मिलेगी, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड आप इसके अंदर एन्चेंटेड आइटम्स भी डाल सकते हो, लेकिन उससे आप अनलिमिटेड एक्सपी तो ले पाओगे, लेकिन जो आपकी स्टोरेज है, मतलब आपके स्लॉट्स जल्दी भर जाएंगे, क्योंकि चीज़ें भी डुप्लीकेट होती है ना इससे। तो आपको रखनी है बुक, एंड बस स्पैम करना है ये बटन, मतलब इस वाली बुक पे जो खाली बुक है ना, इस पर स्पैम करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तुम्हारे सामने सर्वाइवल में हूँ मैं, एंड ये देखो भाई बुक्स भी आ गई, एंड मेरे लेवल 32 हो गए, 7 पे था मैं। अगर नहीं दिखा था आपने लेवल तो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। आप ग्लिच मोड में हो इस वक्त, दोबारा रखो एंड दोबारा स्पैम करने लग जाओ इसको। ये देखो हो रहा है भाई, स्पैम करते रहो करते रहो करते रहो, जितना करते रहोगे आपको उतनी एक्सपी मिलती रहेगी। ध्यान से, हम 32 लेवल पे थे, 41 लेवल पे हो चुके हैं, एंड बुक्स भी हमें मिल चुकी है। एंड अगर आप चाहोगे तो आप किसी आइटम को भी इसमें डुप्लीकेट कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया, जैसे बुक्स डुप्लीकेट होगी, अगर आप कोई एन्चेंटेड सोर्ड रखोगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी। एंड तो ये था, देखो कितना खतरनाक ग्लिच आए। एंड जैसे ही आप इस वर्ल्ड से बाहर निकलोगे, आपका ग्लिच मोड ख़त्म हो जाएगा, एंड आपको वापस यही बुक एंड क्विल वाली ट्रिक करनी पड़ेगी ग्लिच मोड में आने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना ये परमानेंट है, परमानेंट नहीं है। जैसे आप वर्ल्ड को क्विट करोगे, सेव एंड क्विट करोगे, ये वैसे ही ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरी आर्ट क्राफ्ट की वीडियो देखो, जस्ट अपलोड करके हटाऊँ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय बाय।